नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त दंगल का है। और आज दिन भर चली किसान पंचायत में हमारे साथ इस कार्यक्रम के दौरान होंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। उनसे हम सीधी बात करेंगे कि आखिर क्यों 6 दौर की बातचीत के बावजूद किसानों और सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही। आखिर क्यों किसान बार बार अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। सीधे सवाल होंगे नितिन गडकरी से। लेकिन उसके पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार से किसान आंदोलन को जल्दी खत्म करवाने की दिशा में उचित कदम उठाने की मांग की है। दुष्यंत चौटाला ने इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी दुष्यंत चौटाला आज मिले हैं। इसके पहले दुष्यंत चौटाला पर लगातार इस बात को लेकर दबाव डाला जाता रहा कि क्या वो गठबंधन सरकार में रहेंगे या साथ छोड़ेंगे। तो उन्होंने बयान दे दिया था कि एमएसपी का अगर वादा सरकार नहीं निभाएगी तो इस्तीफा देने में देरी नहीं करेंगे। और इसके बाद आज दुष्यंत चौटाला की मुलाकात पीयूष गोयल के साथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, इसके क्या मायने हैं इस पर आगे भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला। कंसेंट बिटवीन द सेंटर एंड द फार्मर यूनियन एंड वी कैन रिजॉल्व दिस इशू बाय टॉकिंग। सो द डेट विल बी फिक्स्ड फॉर द सेंटर एंड आई एम होपफुल फॉर नेक्स्ट 28 टू 40 आवर्स देयर विल बी अनदर राउंड ऑफ टॉक्स एंड सम कंक्लूसिव स्टेटमेंट कैन बी आउट ऑफ बोथ। यू मेट डिफेंस मिनिस्टर आल्सो इन द मॉर्निंग? आई मेट द रेल मिनिस्टर आल्सो एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वेयर वी ऑल नीड टू सिट एंड फाइनलाइज ऑन दिस इशू। सर, अभी आपकी मुलाकात हुई के साथ जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कैसे आप देखते हैं? मैं होपफुल हूँ कि केंद्र जिस तरह के प्रयास कर रही है और फार्मर यूनियंस की जो मांग है इसके ऊपर 24 पेज का रिप्लाई केंद्र ने दिया था, म्यूचुअल सहमति इस पे आएगी जिससे प्रदेश के अंदर जो बॉर्डर पे व्यवस्था है वो भी सामान्य होगी और ये जो मांग है इसके ऊपर भी एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ कंक्लूजन आएगी। हरियाणा में सरकार जिस तरीके से लगातार, मैंने कई पहले भी बोल दिया है कि जब तक हम एमएसपी अश्योर कर सकते हैं, और हमने 6 फसलों पर एमएसपी हरियाणा में इंश्योर करी, किसी और प्रदेश ने तो 2 पे भी नहीं करी, जब तक हम इंश्योर कर पाएंगे वी विल बी स्टेबल एंड वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। सर, उम्मीद है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा क्योंकि किसान, देखो रास्ते तो बातचीत से निकलते हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों पक्षों में 1, 2, 3 नहीं 6 राउंड की बात हुई है और 1 से दूसरा राउंड जब ही हुआ जब कुछ प्रोडक्टिव दिखा, और उम्मीद है कि 7वें राउंड की टॉक जल्दी होगी और उसके बाद कुछ पॉजिटिव दोनों पक्षों से सामने। सर, एमएसपी का कानून के रूप में आप मानेंगे या लिखित में? तो सुना आपने दुष्यंत चौटाला को, वो कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं सरकार आपसी सहमति से किसानों के साथ बातचीत करके हल निकालेगी। इसी सिलसिले में दुष्यंत चौटाला ने आज बातचीत की है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी। और दुष्यंत चौटाला ने इस बात की उम्मीद जताई है कि जल्दी सरकार और किसानों के बीच में 7वें दौर की बातचीत भी होगी। 6 दौर की बातचीत से हल भले ना निकलाओ, लेकिन 7वें दौर की बातचीत भी सरकार और किसानों के बीच बातचीत जल्दी होगी, इस बात की उम्मीद दुष्यंत चौटाला ने जताई है। सरकार से उन्होंने किसानों के मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की है। और मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने उम्मीद जताई है कि 48 घंटे में यानी कि अगले 2 दिन में इस मामले का हल हो सकता है। यह बात दुष्यंत चौटाला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलने के बाद कह रहे हैं। और इससे पहले कि हम नितिन गडकरी